सीबीएसई के पेपर लीक होने के चलते ऊना में विद्यार्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया। विद्यार्थियों ने शहर में रोष रैली भी निकाली। विद्यार्थियों का कहना है कि उनके हितों से खिलवाड़ किया गया है। सीबीएसई अथॉरिटी को उस जगह पर परीक्षा रद्द करनी चाहिए थी जहां पर पेपर लीक हुआ है, जबकि सीबीएसई की गलतियों का खामियाजा देश भर के विद्यार्थियों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते सीबीएसई को इस और उचित कदम उठाने चाहिए। हालांकि सीबीएसई 12वीं कक्षा अर्थशास्त्र की परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी है, जिसके चलते छात्र अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सीबीएसई परीक्षा के दौरान 12वीं कक्षा की परीक्षा के तहत पेपर लीक हो गया था, जिसके चलते सीबीएसई ने अर्थशास्त्र की परीक्षा तिथि घोषित कर दी है। मेरा नाम है सूर्य विशिष्ट। हमने इकोनॉमिक्स का पेपर दिया। रात को हम 2:30 बजे सोए, सुबह जाके हमने पेपर दिया। एक तो सीबीएसई वालों ने अगर लीक हुआ होता उसी दिन बताना चाहिए था लीक हुआ है, ये क्या तीसरे दिन बोल रहे हो कि लीक हुआ है। ये हमारे साथ इनजस्टिस हुआ है जो गलत है। पंकज शर्मा, डीएवी स्कूल का स्टूडेंट, प्लस टू कॉमर्स से हूँ। हमने बहुत ही अच्छी से तैयारी की थी इकोनॉमिक्स के पेपर की, रात रात भर जाके, पर अभी जैसे कि कई जगहों पे पेपर लीक हुआ था, हमारे यहाँ तो पेपर भी नहीं पहुँचा था लीक हुआ था जो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पेपर सिर्फ उसी जगह पे हो जहाँ पेपर लीक हुआ था, कि ये तो सभी स्टूडेंट्स की मेहनत बेकार हो रही है। तो मैं चाहता हूँ कि सेंटर भी कुछ करे और यहाँ के लोग भी हमारा साथ दें। हमें यहाँ पे इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, जब हमारे यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ था। एक्चुअली बेसिकली हमारे यहाँ पे पेपर लीक नहीं हुआ था, बट फिर भी हमें इतनी सफरिंग करनी पड़ रही है इस वजह से, क्योंकि जहाँ पे भी पेपर लीक हुआ उस वजह से सारे कहीं पे मतलब सभी बच्चों को सफरिंग करनी पड़ रही है, सारे कहीं पेपर देना पड़ रहा है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मनिंदर अरोड़ा की रिपोर्ट।